पिछली वीडियो में मैं 3.2 के पहला और दूसरा क्वेश्चन करा चुका था, आज मैं तीसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसमें मल्टीप्लाई है, ये मैंने कॉपी करके पहले ही रख रखे हैं जिससे टाइम वेस्ट ना हो। ए की ए में मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर और बी की बी में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की बी में मल्टीप्लाई, माइनस ए बी प्लस ए बी यानी जीरो। उसके बाद फिर यहाँ पे जीरो क्योंकि बी की ए में मल्टीप्लाई, फिर ए की बी में मल्टीप्लाई। यहाँ क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि एलिमेंट कॉमिटेटिव है। अब यहाँ गलती क्या होती है कि 1 की 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 की 3 में, फिर 3 की 4 में। यहाँ ये बोल जाते हैं कि इससे क्या होगा, या तो एक रो बनेगी या फिर एक कॉलम, जबकि मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था और ये आपने देखा भी था कि मल्टीप्लाई कराने के बाद, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कराने के बाद जो हमारे पास आउटपुट आता है, मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई कराने के बाद जो मैट्रिक्स मिलता है, वो मैट्रिक्स हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक में जितनी रो होती है, सेकंड मैट्रिक्स में जितने कॉलम होते हैं, उनका ऑर्डर में मिलता है। यहाँ पर फर्स्ट रो, फर्स्ट मैट्रिक्स में कितनी रो हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और सेकंड मैट्रिक्स में कितने कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी यहाँ मैट्रिक्स जो मिलेगा मल्टीप्लाई के बाद 3x3 में मिलना चाहिए। इससे अगर गलती हो गई है तो जब ये मैट्रिक्स प्राप्त होगा तब आपको पता चल सकता है। और जब मल्टीप्लाई कराते हैं 1 की पहले इसमें, फिर इसके इसमें, फिर यहाँ, इसका ध्यान रखना, 1 की मल्टीप्लाई 2 3 4, फिर दुगना हो रहा है डबल, यहाँ पर 3 गुना हो रहा है, 3 टाइम्स है ना, इसलिए यहाँ तो डबल था ना। अब ये देख लेते हैं पहला और दूसरा, यहाँ 2 का टेबल, यहाँ 3 टेबल और यहाँ 4 टेबल। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आपके सामने है, यहाँ ये वाला, फिर इसके बाद 2 टेबल्स 3 टेबल्स एंड 4 टेबल्स। अब ये वाला, मल्टीप्लाई जल्दी कर सकते हो आप, 1 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा कर दिखाना, जैसे मैंने लेक्चर क्लास में बताया था कि पहले मल्टीप्लाई करने के बाद फिर प्लस, इस तरह से ये 100 नहीं कराना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराओ और साथ में जोड़ो और तुरंत लिखो। 1 माइनस 4 1 माइनस 4 माइनस 3, 2 माइनस 6 माइनस 4, 3 माइनस 2 1, 2 6 8, 4 9 13, 6 3 9, 3 माइनस 4 1 8 39, 3 माइनस 4 1 8 39। मल्टीप्लाई सीधा करने हैं, इसके पहले मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, और साथ में ऐड भी करना है। अच्छा, ये 0 आने से मिडिल टर्म तो 100% 0 हो जाएगा। 2
एंड 12 14, -6 -6 0। टेन 12 22 और 20 42, 3 15 18, 9 8, -1 -9 -8 -9 +8 -1, 15 16 31 25 56 4 13 6 3 times 18 22, 4 3 times -12 +10 -2, 20 20 40 और 30 70, 14 18 22, 0 -1 -2, 42 56 70, 14 18 22, 0 -1 -2, 42 40, ये कंप्लीट। टू माइनस वन वन, 0 2 टू, 2 1 थ्री, 3 माइनस 2 वन, 4, 3 2 फाइव, 1 -1 -2, 2 -1 +1 0, 1 1 -2 2 4 2 3 5 0, 1 1 -2 2 4 2 3 5 0। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, या फिर नोटबुक में नोट कर लो और उसके बाद चेक कर लेना। सिक्स माइनस वन फाइव, 9 14, -6 थ्री, थ्री और थ्री, नाइन -9 3 6, -3 -9 थ्री एंड वन, 3 -9 +3 -6, 2 +6 4, +3 +2 5, 14 4 -6 5, 14 4 -6 5, कंप्लीट। 3.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अगली वीडियो अपलोड करता हूँ, और वीडियो लंबी हो जाती है।